अजमेर के वैशाल नगर स्थित गुजर समाज के आराध्य देवनारायण भगवान के मंदिर की चार दीवार तोड़ने पर विवाद गहरा गया। सोमवार रात से मंदिर के बाहर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलवार सुबह पंचायत के दौरान वहां मौजूद कुछ युवा आक्रोशित हो गए और इसके बाद सड़कें जाम कर दी गई। इसी दौरान रास्ते निकल रही एक गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वहीं पुलिस ने उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक बंद कर दिया। इससे पहले सोमवार देर रात 11 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंदिर की चारदीवारी को अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया था। दावा किया जा रहा है कि समाज का यह मंदिर 2 साल पुराना है और रात को जैसे ही सूचना समाज के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए। मंगलवार गुजर समाज का डेलीगेशन कलेक्टर हंसदीप से मिलने के लिए पूछा और बातचीत प्रशासन व समाज के लोगों के बीच 3 मांगों पर सहमति बन गई। अचानक पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि रात को 11 बजे प्रशासन के कौन से डिपार्टमेंट के आदेश पर इस मंदिर की चार दीवारी तोड़ने का काम किया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके द्वारा उनके हिसाब से जो इसको अतिक्रमण मानते हुए, क्योंकि मंदिर तो है वहीं पर ही है लेकिन चारों ओर जो नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था ऊंची ऊंची दीवारें, वो क्योंकि ये रोड जो है उनके हिसाब से पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो है उनका कहना है कि हमने नियमानुसार कार्रवाई की है।